हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं कर रही हूँ सुबह के खाने की तैयारी, और मैं अभी बना रही हूँ गिलकी। गिलकी दो तरह की बनाऊंगी, एक तो सूखी बनाऊंगी आलू और गिलकी की सब्ज़ी, और एक बनाऊंगी पानी वाली। तो बस मैं उसी की झटपट तैयारी कर रही हूँ। और ये छोटी सी कढ़ाई मैंने डीमार्ट से ली थी, जब से ये कढ़ाई आई है तब से मैं थोड़ी सी सब्ज़ी बनाना होती है तो इसी में बना लेती हूँ। और अभी मैं चॉपर में मिर्ची, लहसुन और प्याज को चॉप करूँगी बारीक बारीक। जब आप चॉपर यूज़ करते हैं तो बीच बीच में चॉपर थोड़ा सा अटकने लगता है, रुकने लगता है, और ये सब कुछ होता है उसकी स्प्रिंग की वजह से। बीच में स्प्रिंग में जो ये डोरी होती है वो कहीं ना कहीं अटक जाती है, जिसकी वजह से चॉपर घूमना बंद कर देता है और डोरी बाहर की बाहर रह जाती है। देखिए मेरे चॉपर में भी अधिकतर ऐसा होता है। तो इससे किसी सनसी या किसी नट को कसने वाले की सहायता से आप सही कर सकते हैं। और अब मैं सब्ज़ी बघारूँगी, और मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। सब्ज़ी बघारने के लिए मैंने तेल डाल लिया है, राई, जीरा और हींग डाली है, और साथ ही मैंने जो चॉप करके रखा था मसाला वो डाला है। आधा मसाला मैं इस सब्ज़ी में डालूंगी, और आधा मसाला मैं जो रस्से वाली सब्ज़ी बनाऊंगी उसमें डालूंगी। जब तक मसाला होता है तब तक मैं आलू और घी की जितनी मुझे ज़रूरत है उतनी काट लूंगी, और उसके बाद मैं इसमें सूखे मसाले डालूंगी, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा सब्जी का मसाला जो आता है किचन किंग मसाला वो, और फिर मैं आलू और गिलकी इसमें डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसे ढक दूंगी। इसके बाद मैं बची हुई जो गिलकियां हैं वो काट लूंगी। एक्चुअली मैं गिलकी बहुत देर से पानी में ही रखी हुई थी, उसे मैं काट रही हूँ। और इसके बाद मैं अगली सब्जी की तैयारी करूँगी। उससे पहले जब तक सब्जी हो रही है तब तक मैंने सोचा कि मैं आटा गूंथ के रख देती हूँ, तो यहाँ मैं आटा गूंथ रही हूँ। आटा गूंथ जाने के बाद मैं उसे भी ढक के रख दूँगी, और तब तक सब्जी एक बार और मैंने देख ली है, लेकिन अभी टाइम है तो मैंने सोचा कि जो बर्तन है मैं वो जमा देती हूँ। और उसके बाद मैं सब्जी बघार के रोटी डाल लूँगी। तो इस तरह जब एक तरफ कुछ काम हो रहा हो, दूसरे हाथ हम किचन का दूसरा काम कर लेते हैं तो जल्दी हो जाता है। अब सब्जी निकाल के मैं इसी कढ़ाई में और रस्से वाली गिलकी की सब्जी बना लूँगी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो हैं वो सूखी सब्जी कम ही खाते हैं, और मुझे और भाइयों को सूखी सब्जी चाहिए। तो बस मैं उसी मसाले को फिर से डाल के, और वही वाले मसाले जो मैंने अभी सूखी सब्जी में यूज़ किए थे लेकिन थोड़ी ज़्यादा मात्रा में मैं रस्से वाली सब्जी में यूज़ करूँगी, और गिलकी डालकर मसाले में। और फिर मैं जो चॉपर था उसको मैंने धोया नहीं था, उसमें ही पानी डाल दिया था, वही पानी मैं इस गिलकी की सब्ज़ी में डाल दूंगी, और नमक वगैरह डाल के मैं इसे उबलने दूंगी। जब इसमें उबल आ जाएगा तो मैं इसे ढक दूंगी और फिर इसे ढककर पकाऊंगी। और इधर मैं रोटी डालने की तैयारी कर रही हूँ। रोटी डालने के लिए पलेथन में मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, क्योंकि पलेथन जो होता है वो फीका होता है, मतलब आटा उसका फीका होता है, इससे थोड़ा सा नमक डाल लेती हूँ जिससे आटे का बैलेंस बराबर हो जाता है। तो अब मैं फटाफट दूसरी तरफ रोटियाँ डाल लूँगी, तब तक मेरी जो इधर गैस पे सब्जी है वो भी हो जाएगी। और एक बार उबाल आ जाने के बाद मैं उसे थोड़ा सा सिम कर दूँगी। तो बस इसी तरह मैं दोनों गैस पर काम करती हूँ, जब तक सब्ज़ी बघार के सब्ज़ी होती है तब तक मैं रोटियाँ बना लेती हूँ, और इसी तरह काम थोड़ा झटपट हो जाता है। लेकिन एक बार जब मैं किचन का काम करती हूँ तो किचन में ही पूरा टाइम फटाफट काम ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ, ताकि जब मैं बाहर निकलूँ तो मुझे किचन का कोई काम ना करना पड़े। अब देखिए मैंने एक साइड गैस सिम कर दिया है, सब्जी मध्य गैस पे हो रही है, और दूसरी तरफ मेरी रोटियाँ मैं बना लूँगी। खाना वगैरह बन चुका है। खाना बनाने के बाद मैं उसी वक्त हाथों हाथ गैस साफ़ करती हूँ। रोटी बना के मैंने साइड में रख दी है, और सबसे पहले मैं गैस और गैस स्टैंड साफ़ करती हूँ, उसके बाद ही मैं दूसरा कोई काम करती हूँ, क्योंकि अगर ये गंदा रह जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता, और ना ही ये डबल वापस साफ़ करने आने का मन करता है। तो यहाँ मैंने जो
डीमार्ट से स्पॉन्ज लाई थी मैं किचन के, वही यूज़ कर रही हूँ पोंछने के लिए। और ये थोड़े से रबर टाइप के कुछ आते हैं जिसकी वजह से ये जो पानी होता है वो भी सोख लेते हैं और जल्दी से फटाफट धुल भी जाते हैं, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो ये मेरा किचन साफ़ हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको चॉकलेट कप केक की रेसिपी बताने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने 5 लीटर वाला बड़ा कुकर ले लिया है, उसमें मैंने नमक डाल लिया है, रिंग लगा ली है, स्टैंड लगा लिया है। यहाँ पे मैंने कुकर का ढक्कन में से विसल निकाल दी है और रिंग उसी में है। तो हम इसे इस तरह ढककर प्रीहीट करेंगे मध्य गैस में, कम गैस रखेंगे, लो टू मीडियम। और यहाँ पे हम दो तरह का बैटर तैयार करेंगे, एक तो सूखा बैटर और एक गीला। तो जो सूखा बैटर होता है उसमें मैं डालूँगी 1 कप मैदा और उसी में मैं डालूँगी लगभग 1 बड़ा चम्मच कोको पाउडर। और यहाँ पे हम चॉकलेट केक बना रहे हैं तो हम कोको पाउडर का यूज़ करेंगे। अगर आप चॉकलेट केक नहीं बना रहे, सिंपल बना रहे हैं तो आप कोको पाउडर को स्किप कर दीजिए, सिंपल केक बन जाएगा। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर लगभग 1/4 चम्मच के करीब, क्योंकि 1 कटोरी मैदा है इसलिए 1/4 चम्मच। और उससे आधी मात्रा में हम डालेंगे बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा। और उसके बाद इस छन्नी की सहायता से हम सभी जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उन सबको मिक्स करते हुए छान लेंगे। और छानने में मुझे थोड़ा ज़्यादा समय लगा था क्योंकि छन्नी बहुत ही बारीक है, इसलिए मैंने इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। और इसमें जो जो भी मैं कर रही हूँ वो मैं आपको बताती जाऊँगी, तो घबराइएगा नहीं। फास्ट फॉरवर्ड इसलिए है क्योंकि मुझे इसमें टाइम ज़्यादा लगा। तो यहाँ पे मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके उन्हें छान लिया है और अब आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा चॉकलेटी पाउडर तैयार हो गया है। तो इस तरह इसे छानना चाहिए ताकि थोड़ा सा जो भी कचरा हो मैदे में वो निकल जाए। इसके बाद हम लिक्विड का जो बैटर है वो तैयार करेंगे, लिक्विड बैटर। उसके लिए हमें चाहिए दही। हमने 1 कप मैदा लिया है तो इसके लिए हम 1/2 कटोरी से भी कम दही लेंगे। और अगर आप 2 कप मैदा लेते हैं तो 1/2 कटोरी के बराबर आपको दही लगेगा। तो जितना हमने दही लिया है 1/2 कटोरी से कम, उतना ही हम रिफाइंड तेल यानी खाने वाला कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो तेल की जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी पिघला हुआ होना चाहिए। आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बटर भी रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। तो जितना दही उतना ही तेल या घी यूज़ करें। और उसमें हमने 1 कटोरी मैदा यूज़ किया था तो इसके लिए हम 1/2 कटोरी पीसी हुई चीनी या फिर नॉर्मल चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन हमें इसे तब तक मिक्स करना है, मिक्सर को चलाना है जब तक कि चीनी पूरी घुल न जाए इस बैटर में। तो अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं मिक्सी में जब तक कि बैटर अच्छा सा मेल्ट न हो जाए और घी और दही और चीनी तीनों एक सार न हो जाए। तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा सा बैटर तैयार होगा। अब हम इस बैटर को एक बाउल में निकाल लेंगे और चम्मच की सहायता से जो बचा हुआ मिक्सचर है उसे भी हम निकाल लेंगे। और आप देखेंगे कि बिल्कुल जैसे हम मलाई ग्राइंड करते हैं वैसा हो गया है। बस इसी टाइप का, इसी कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए जिसमें बिल्कुल वाइटनेस आ जाए। और अब इस बैटर में हम सूखा बैटर बना के रखा है उसे मिक्स करेंगे। तो ये बहुत फ्लफी सा बैटर तैयार हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके, आधा आधा करके 3 भागों में बैटर मिक्स करेंगे सूखा वाला पाउडर। और इसे हम कट एंड फोल्ड के थ्रू भी मिला सकते हैं या आप नॉर्मल जैसे बेसन का घोल बनाते हैं वैसे भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इसे बहुत जल्दी जल्दी मिक्स नहीं करना है। इसे हमें धीरे धीरे आराम से मिक्स करना है और इसमें थोड़े थोड़े लम्स होते रहेंगे। इसके लिए आप पहले कट एंड फोल्ड के मेथड से मिक्स करें और उसके बाद जब आपको लगे कि लम्स टूट नहीं रहे हैं तब आप थोड़ा सा फेंटने के तरीके से, जैसे हम बैटर फेंटते हैं वैसे तरीके से आप इसे मिक्स कीजिए। और ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, लेकिन ज़्यादा हमें इस तरह से मिक्स नहीं करना है। ये कट एंड फोल्ड का तरीका इसलिए है ताकि इसके अंदर जो भी एयर्स है वो बाहर आ जाए, एयर बबल फिनिश हो जाए। तो इस तरह हम इसे मिक्स करेंगे और जब आपको लगे कि बैटर सूखा वाला ज़्यादा हो गया है तो थोड़ा सा दूध
इसके अंदर ऐड करें, और आप चाहे तो पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन दूध रहेगा तो थोड़ा और अच्छे से मॉइस्ट हो जाएगा। तो जब तक इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल केक के बैटर जैसी ना हो जाए, जैसे हम पकोड़े का घोल करते हैं इसे थोड़ा सा थिक घोल करेंगे, और जब तक वैसी कंसिस्टेंसी नहीं हो जाती तब तक हम इसे मिक्स करेंगे। और मुझे बैटर को इस तरह मिक्स करने की आदत है, क्योंकि लम्स जब तक दिखेंगे तब तक बैटर अच्छा सा नहीं बनेगा, इसलिए लम्स तोड़ने के लिए मुझे थोड़ा बीच बीच में उसे फेंटने की ज़रूरत पड़ रही है। और अगर आपको जब लगे कि घोल बहुत अच्छा हो गया है, बिना लम्स के अच्छा बैटर तैयार हो गया है, तो समझिए कि आपका बैटर तैयार है। और आप जैसे जैसे इसे फेंटते जाएंगे वैसे वैसे ये फूलता जाएगा, क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाला हुआ है। तो बस अब हम इसे मोल्ड में निकाल लेंगे। ये हमारे लिए तैयार है, लेकिन थोड़ा सा इसमें मैं डालूँगी वनीला एसेंस, और इसके बाद इसे मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा एक पिंच मैंने इसमें नमक डाला है, क्योंकि जब भी आप मीठा केक बनाते हैं, चॉकलेट केक या मीठा केक, तो उसमें थोड़ा सा एक पिंच नमक डालना चाहिए, वो मीठे की जो कंसिस्टेंसी है उसे बराबर करता है। और यहाँ पे मैंने डाला है थोड़ा सा वनीला एसेंस, एक चम्मच के करीब, इससे फ्लेवर और जो खुशबू होती है वो अच्छी आती है। अगर आपके पास चॉकलेट एसेंस है तो और भी बेटर होगा, लेकिन मेरे पास वनीला एसेंस था जो मैंने डाल दिया। अब ये बैटर जो है वो केक के लिए रेडी है, तो हम इसे मोल्ड में डालेंगे। ये जो मोल्ड आपको दिख रहे हैं सिलिकॉन के मोल्ड हैं, और इन्हें मैं लाई थी डीमार्ट से, तो अभी मैं इन्हें यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो इनका यूज़ माइक्रोवेव ओवन में करना चाहिए, लेकिन मैंने देखा था कि इसे आप कुकर वाला जो हम केक बनाते हैं या कढ़ाई में जो बनाते हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुकर और कढ़ाई दोनों तरीके से आपको सिलिकॉन मोल्ड्स का यूज़ करके बताऊँगी। तो मैंने ट्राई किया, थोड़ा सा डर भी लगा, लेकिन मैंने सोचा कि सिलिकॉन है तो मुझे नहीं लगता कि चिपकेगा, और बिल्कुल ठीक वैसा ही हुआ कि सिलिकॉन है। इसका मतलब है कि ये पहले से हीट के लिए तैयार होते हैं, तो ये चाहे कितनी भी हीट में हो, अगर आपने आग पे भी रखेंगे तो ये जलेंगे नहीं। तो ये मैंने 6 मोल्ड जो तैयार किए थे उसमें बैटर कम्प्लीट कर दिया है। अब हम इन्हें थोड़ा सा टैप करेंगे और इन्हें रखेंगे कुकर में। इधर जो कुकर है हमारा वो भी प्री हीट हो चुका है, तो हम इसका ढक्कन खोलेंगे और इसके अंदर ये हमारे जो मोल्ड्स हैं वो रखेंगे। यहाँ पे मैंने कुकर के ढक्कन में रिंग लगाई है, लेकिन सीटी को निकाल दिया है, तो अब हम ढक्कन को ढक देंगे और इन्हें लगभग 30 से 40 मिनट तक होने देंगे, और मीडियम लो, बिल्कुल मीडियम रखेंगे। और इस तरफ मैंने कढ़ाई जो छोटी ली थी उसी में मैंने नीचे एक छोटी सी प्लेट को उल्टी करके उसमें बड़ी प्लेट रख के, और ये जो 2 मोल्ड्स बचे थे वो इसमें रख दिया और इसने ढक दिया है। तो इस तरह हम कढ़ाई में भी बनाएंगे और कुकर में भी, और लगभग 45 मिनट के करीब मुझे लगे हैं, और ये बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो टूथपिक की हेल्प से हम इन दोनों तरफ के जो केक हैं उन्हें देखिए टेस्ट करेंगे। टूथपिक बिल्कुल क्लीन है, और जब ये हो जाएंगे बैक तो आपको ऊपर से ही पता चल जाएगा कि ये बैक हो चुके हैं, क्योंकि बिल्कुल सूख जाएंगे, और सिलिकॉन मोल्ड है इसलिए आसपास से वो अपनी जगह भी छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, केक बेक हो चुके हैं अच्छे से। अब हम इन्हें निकाल लेंगे कुकर और कढ़ाई से बाहर और इन्हें थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। अगर आप चाहें तो सिलिकॉन मोल्ड है उसी वक्त भी केक को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि इनका टेम्परेचर वैसे ही नॉर्मल रहता है, आसानी से निकल जाते हैं। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं मोल्ड से बाहर, और बहुत ही इजी तरीके से ये निकल जाएंगे, सिलिकॉन मोल्ड है इसलिए। और ये हो गए हमारे कपकेक तैयार। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से बेक हुए हैं। और अगर आप चाहें तो इन्हें चॉकलेट सिरप से सजा सकते हैं, क्रीम से सजा सकते हैं। मेरे पास हर्षी का चॉकलेट सिरप है, वो मैं इस पर डालूंगी और इसे डेकोरेट करूंगी। ये देखिए, और इस सिरप को डालने के बाद इसे चम्मच से फैला लेंगे, क्योंकि ये आसानी से फैलता नहीं है, तो इसे हम चम्मच से फैला कर स्प्रेड कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स ये तैयार है हमारे चॉकलेट कपकेक विद चॉकलेट सिरप। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मैं कट करके बता रही हूँ कि ये कितने अच्छे से बेक हुए हैं, आप भी खा लीजिए। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। गुड बाय एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माई रेसिपी एंड माई वीडियोज़।